हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमएचके क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग मेरी अगर पहली वीडियो देख चुके होंगे थायराइड ग्लैंड की, तो होप्स आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी और आप होप्स ये भी पसंद करेंगे आप लोग वीडियो, क्योंकि मैं आज पेनक्रियाज के बारे में, पेनक्रियाज जो एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और जुड़े रहें और भी वीडियोस मैं क्योंकि लाता रहूँगा आगे, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम की जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सब का डिस्कशन मैं अपनी वन बाय वन वीडियो में आप लोग के साथ करता रहूँगा। और लास्ट में एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होने के बाद मैं आप लोग को मिसलिनियस क्वेश्चन लगवाऊंगा, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोग अपनी प्रोग्रेस की, आप लोगों ने कितना रिटेन रखा माइंड में। तो आइए चलते, बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं पैनक्रियास के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर, कि जो पैनक्रियास का स्ट्रक्चर है वो कुछ कैसा है, कि एक पत्ते की तरह होता है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा। और ये डिवाइड रहता है किसमें, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल में। आप लोग फिगर देखते रहिए, और फिगर में जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि हेड, नेक, बॉडी और टेल में है। और सबसे पहले तो इसकी अगर पोजीशन के बारे में बात की जाएगी, तो ये क्या होता है, इम्बेड होता है। इम्बेड मतलब क्या, थोड़ा सा धंसा हुआ किसमें, ड्यूओडेनम में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ड्यूओडेनम। ठीक है, ड्यूओडेनम क्या, ड्यूओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ड्यूओडेनम स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि हल्का सा हेड हेड पार्ट है जो इसमें क्या है, एम्बेड है, यानी इसमें थोड़ा सा एसोसिएट किया हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ड्यूओडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और इसके नीचे जो आप लोग ये ओपन पार्ट देख रहे हैं, ये जियोजेनम, मतलब यहाँ से जो आगे एक्सटेंडेड पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, जियोजेनम है। ठीक, तो और जो आप उसका देख रहे हैं टेल पोर्शन है, ये किससे एसोसिएटेड है, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें किडनी से टच कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट किडनी से टच कर रहा है। ठीक है, और ये एक स्प्लीन है, ये एक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्प्लीन। ठीक है, तो ये स्प्लीन है। ठीक है, वैसे ये सब पूछेगा नहीं आपसे, कि बस आप ये देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेफ्ट किडनी से एसोसिएट है और ये ड्यूओडेनम में एम्बेड है थोड़ा। तो और आप देख रहे हैं ऊपर से इसमें डक्ट्स आ रही हैं, एक डक्ट ये आई है और एक डक्ट ये आई है। तो ये कहाँ से आ रही है, ये एक स्ट्रक्चर होता है लीवर। ठीक है, तो ये वहाँ से ये डक्ट चली हुई है। ठीक है, और यहाँ पे होता है यूरिनरी, यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर होता है यहाँ पे। ठीक, तो ये सब देख रहे हैं आप, जो ये डक्ट आ रही है, दो डक्ट कनेक्ट होके किसमें मिल रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट में। तो ये देखिए, जो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट है। और यहाँ पे ओपन किसमें हो रही है, जियोजेनम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अपना जो भी सिक्रीशन है पैनक्रियास का, अपने जो भी हॉर्मोन्स या एंजाइम्स हैं, वो क्या करता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है। ठीक, तो मतलब सॉरी, जो एंजाइम्स हैं वो अपने क्या करता है, इसमें सिक्रीट करता है। और जो इसके एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक, सबसे पहले तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले हम इस जो ग्लैंड को दोनों तरह का ग्लैंड बोलते हैं, यानी इंडोक्राइन भी बोलते हैं एज वेल एज एक्सोक्राइन भी बोलते हैं इसको। इंडोक्राइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने जो हॉर्मोन्स होता है ये क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, सिक्रीट कर देता है। और एक्सोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डक्ट्स के थ्रू भी क्या करता है अपना सिक्रीशन, यानी ये डक्ट्स देख रहे हैं पैनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू एंजाइम्स वगैरह डाइजेस्टिव जो होते हैं ड्यूओडेनम में आते हैं। तो इसलिए हम इसको दोनों नाम देते हैं, इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, उसके बाद पैनक्रियाटिक डक्ट जो आप लोग देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये, ठीक है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। और पैनक्रियाटिक डक्ट है उससे, उसमें क्या होता है कि एसिनर सेल्स होती हैं। ठीक है, एसिनर सेल्स, यहाँ पे ऐसे करके झुंड होता है ये एसिनर सेल्स का। ठीक है, तो ये एसिनर सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं पैनक्रियाटिक जूस और इंजाइम्स। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस और इंजाइम्स सिक्रीट करती हैं, जो कि हमने बताया कि इस डक्ट के थ्रू कहाँ आता है, ड्यूओडेनम में आता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव में, डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो इसमें जो अब देखिए क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो पैनक्रियाज है वो कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है, तो इसमें एक है ट्रिप्सिनोजन और एक है काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक, तो ये याद रखिएगा दो एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन, और इसमें लिखा हुआ है कि इनटू द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी क्या करता है अपने एंजाइम्स कहाँ सिक्रीट करता है, ड्यूडेनम में। ठीक, अब लेकिन क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी हॉर्मोन्स के बारे में, तो अब हम इसके हॉर्मोन्स भी जानेंगे कि पैनक्रियाज आखिर कौन से हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है। तो अभी तो ये बात हो गया एक्सोक्राइन सिक्रीशन के बारे में। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं कि जो हॉर्मोनल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं पैनक्रियाज में। तो यहाँ पे जो एसिनर सेल्स होती हैं, देखिए जो यहाँ पे ये डॉट्स, यहाँ पे जैसे ये एसिनर सेल्स हैं, ठीक है, ये एसिनर सेल्स हैं और इसी से एसोसिएटेड ऐसे यहाँ पे क्या होता है क्लस्टर फॉर्म करता है, यहाँ पे क्या होता है ऐसे ऐसे और ऐसे करके एक क्लस्टर फॉर्म हो जाता है, झुंड, यानी बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं एसोसिएट हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे करके बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं एसोसिएट हो जाती हैं, तो ये झुंड बनाती हैं क्लस्टर जिसे बोलते हैं। तो इस क्लस्टर को हम नाम देते हैं क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये देखिए इसमें हमने लिख रखा है कि जो हार्मोनल सेल्स हैं पैनक्रियास की फॉर्म्स क्या करती हैं, वो क्लस्टर ऑफ सेल्स, और इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं, और ये भी पूछा जाता है कि ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट क्या करती हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बात हो गई। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि एसिनर सेल्स क्या होता है कि ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। अब हमने यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, हमने फिगर दिखा दिया है यहाँ पे कि एसिनर सेल्स कुछ इस तरीके से होती हैं, जो एसिनर सेल्स हैं वो क्या है ये ऐसे करके। ठीक, और ये किससे जुड़ी होती हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट से। ठीक, और इसी के पास हमने अभी जो डॉट ऊपर कर बना के दिखाया था मैंने, तो वो देखिए ये है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स इसी के पास में, और इसे हम क्या बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो ये जो एसिनर सेल्स हैं ये क्या करती हैं, इंजाइम सिक्रीट करती हैं किस में, डक्स में। तो देखिए मैंने एरो ऐसे करके दिखा दिया, ये पैनक्रियाटिक डक जो बीच में है इसमें क्या करती हैं अपने सिक्रीशंस करती हैं। ठीक है, एसिनर सेल्स यानी इंजाइम सिक्रीशन। ठीक है, अभी जो हार्मोन सिक्रीट करेंगी वो कौन से सेल्स होंगी, ये होंगी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये जो क्लस्टर बना रखा है इन्हें हम क्या कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, अब एसिनर सेल्स, अब अगर पूछा जाए कि एसिनर सेल्स हैं वो कौन से ठीक है एसिनर सेल्स सिक्रीट क्या क्या करती है एसिनर सेल्स, तो एमाइलेज करती है। ठीक है, एमाइलेज, एक तो एमाइलेज एंजाइम करती है, ठीक, जो कि क्या करता है स्टार्च के स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और एक लाइपेज एंजाइम, ठीक है, वो क्या करता है फैट फैट को डाइजेस्ट करने में क्या करता है हेल्प करता है। और पेप्टाइडेज एंजाइम, ये क्या करता है, पेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन्स के डाइजेशन में क्या करता है हेल्प करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एसिनर सेल्स की तीन तरह के एंजाइम सिक्रीट करती है, एमाइलेज, लाइपेज और पेप्टाइडेज। ठीक, और जो ऊपर जो हम लोग ने पढ़ा था ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन वो क्या होते हैं प्रोटीजेज होते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, ठीक है, वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक, तो देखते हैं, चलिए, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं ये क्या करती हैं, तीन तरह की इसमें सेल्स, मतलब जो क्लस्टर होते हैं, जो ये पूरा सेल्स का झुंड है, तीन तरह के क्लस्टर जो इसमें होते हैं उसमें तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं सबसे पहले अल्फा सेल्स। ठीक है, तो अल्फा सेल्स जो होती हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ग्लूकागॉन। ठीक है, तो अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ग्लूकागॉन। ठीक, और जो अब देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हमने पूछा था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वो कितनी तरह की इसमें सेल्स होती हैं, एक तो अल्फा सेल्स, एक होती हैं बीटा सेल्स और एक होती हैं डेल सेल्स, ये गामा सेल्स। ठीक है, तो ये जो अल्फा सेल्स होती हैं ये ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं। ठीक, और ये जो बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और जो इंसुलिन हार्मोन है वो उसका पता किसने लगाया था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, तो ये जो है साइंटिस्ट ने जिन्होंने पता लगाया था, ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन को क्या करा था, डिस्कवर किया था या इसके बारे में पता लगाया था। तो जो और जो गामा सेल्स हैं या डेल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, सोमैटो स्टैटिन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, सोमैटो स्टैटिन।
अब ये सोमैटोस्टैटिन क्या है, ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है ये इन दोनों का यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रीशन क्या करता है, इन दोनों सेल्स का सिक्रीशन को स्टॉप करता है, ठीक है, रोकता है। जितनी यानी जितनी ज़रूरत है उतना ग्लूकागॉन बनेगा, उतना इंसुलिन बनेगा, और फिर ये सोमैटोस्टैटिन जो अल्फा सेल से सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट होता है ये क्या करता है, ये इन दोनों के सिक्रीशंस को रोकता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तीन तरह के एंजाइम सिक्रीट होते हैं पैनक्रियास से, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। जो ग्लूकागॉन है वो अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं और इंसुलिन बीटा सेल सिक्रीट करती हैं, और डेल सेल्स क्या सोमैटोस्टैटिन या गामा सेल्स सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अभी बात आती है कि ग्लूकागॉन करता क्या है, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो करता क्या है। तो जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो क्या करता है, ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो इंक्रीज करता है क्या, ब्लड ग्लूकोज यानी ब्लड ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है हमारी मसल्स और लीवर में, उस ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज बनाकर देता है, और ये ग्लूकोज फर्दर क्या होती है, एनर्जी में यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, एनर्जी देती है। और इंसुलिन, अब इंसुलिन हार्मोन क्या है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो होते हैं वो इंसुलिन से ही आते हैं, ठीक। और अब ये क्या है, डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज को। अब देख ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को रिटेन करता है यानी कम करता है, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है बाई कन्वर्टिंग ग्लूकोज, ग्लूकोज को वापस से किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, यानी फिर से वापस से ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल कर क्या करता है, फैट और मसल्स में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है, विच देन स्टोर इन लीवर एंड मसल्स, ठीक। फिर कह रहा है कि और ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन क्या करता है, इंड्यूसेस फैट एंड प्रोटीन सिंथेसिस, यानी फैट्स और प्रोटीन को बनाने में इसकी सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक। अभी बात आती है कि सोमैटोस्टैटिन, तो सोमैटोस्टैटिन लिखा हुआ है कि इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ बोथ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, जैसा कि हम पहले बताया हमने आपको जब कि सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इन दोनों के सिक्रीशन को रोकता है, ठीक है, यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन को। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी तो हमने बताया कि जैसे हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया था कि ज़्यादा थायरोक्सिन सिक्रीट होने से और कम थायरोक्सिन सिक्रीट होने से बहुत सी क्या होते हैं, बहुत सा बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, यानी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का, ठीक है, तो उससे कुछ उसके कुछ हार्मफुल रिपरकशंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो देखेंगे कि अगर उसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या क्या हो सकता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो क्या हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो ये जो डिफिशियंसी है इंसुलिन की, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ की। इससे दो चीज़ें होती हैं, ठीक, एक तो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ होता है। हम सीधी सी बात करेंगे डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज़, ठीक। अब डायबिटीज़ भी दो तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। अब ये टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज़। अब ये जुवेनाइल डायबिटीज़ क्या है, जुवेनाइल डायबिटीज़ मतलब क्या, बच्चों में होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बच्चों में होता है, ठीक। और ये जो जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है ये बच्चों में पाया जाता है इस तरह का डायबिटीज़, ठीक। और ये जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है कैसे, हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी यानी वंश टू वंश ट्रांसफर होता है, ठीक है, हेरिडिटरी, ठीक है, एच ई पेन चल नहीं रहा है मेरा, एच एच ई लेट इट बी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेरिडिटरी होता है, HEREDITARY, हेरिडिटरी, ठीक है, यानी ये पास होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हेरिडिटरी बोलते हैं, यानी टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, यानी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और ये जुवेनाइल डायबिटीज़ बच्चों में पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसको और क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ को, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसमें होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमारी जो जो इन्फेक्शन से, जो बैक्टीरिया से, जो बीमारियों से लड़ता है वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। तो जो इम्यून सिस्टम होता है उस वो हमारा क्या करता है, बीटा सेल्स जो पैनक्रियास की बीटा सेल्स हैं उसी को क्या करता है, तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है तो क्या होगा भाई, भाई बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती है, तो जब इंसुलिन बनाएगी नहीं तो इंसुलिन की कमी आ जाएगी, ठीक है, तो इससे कमी हो जाती है और क्या होता है, बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, एक तो वेट लॉस है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, और जो इसमें ज़ख्म है वो क्या होता है कि बहुत देर में भरता है, ठीक। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसे हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़, यानी बच्चों में होती है ये, ठीक। और इसमें क्या होता है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है इसमें होता है, इसमें हम क्या बोलते हैं, एडल्ट डायबिटीज़, यानी ये बड़ों में पाया जाता है, ठीक।
तो ये बड़ों में पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मतलब ये इंसुलिन पे इंसुलिन की इससे नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो इंसुलिन होता है बनता तो है हमारी बॉडी में, लेकिन वो जितना जिस तरह से इंसुलिन हमारी बॉडी में यूटिलाइज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है कि बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन लाइक इट शुड। जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है, जिस तरीके से इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए हमारी बॉडी का, वो इंसुलिन का हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं करती है, और इससे क्या होता है, हार्ट डिजीज़ होती है और वज़न बहुत बढ़ने लगता है। ठीक है, और भी बहुत सी डिजीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि ज्वाइंट पेंट्स वगैरह होने लगता है। ठीक है, ज्वाइंट में यानी जोड़ों में दर्द जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है और इसमें वज़न भी बढ़ जाता है और हार्ट डिसऑर्डर आ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये था पेनक्रियास के बारे में और उसके सिक्रीशन के बारे में। आइए देख लेते हैं एक बार, फट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि पेनक्रियास हेड नेक बॉडी टेल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक, और इसमें होता है क्या है कि जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है एसिनर सेल्स कंटेन करती है, और जो कि एसिनर सेल्स क्या सिक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम्स। ठीक, अब क्या होता है, जो इट इज़ बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये क्या है कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों कहलाती है। ठीक, इसमें से जो हार्मोनल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक सेल्स का क्लस्टर फॉर्म कर लेती हैं। ठीक, और इस क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करती हैं, तीन तरह का हार्मोन सिक्रेट करती हैं। ठीक, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। ग्लूकागॉन जो होती है वो अल्फा सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स का सिक्रेट करती हैं ग्लूकागॉन, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, इंसुलिन, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, सोमेटोस्टेटिन। ठीक, तो अब देखते हैं ग्लूकागॉन का काम क्या है, कि ये हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाता है। ठीक, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, और उसके बाद इंसुलिन जो है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। कैसे घटाता है, वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाकर। ठीक है, तो जो और ये जो ग्लाइकोजन बनता है ये हमारे लीवर में और मसल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक, और सोमेटोस्टेटिन होता है, ये क्या करता है, जब ये बहुत दोनों जितनी लिमिटेड मात्रा में जब इनका सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है, तो फट से क्या करता है, ये सोमेटोस्टेटिन इनका सिक्रीशन को रोक देता है, ये हार्मोन। ठीक, उसके बाद अब हमने बताया कि डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक, अब डायबिटीज़ भी दो तरीके का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ये बच्चों में होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ बड़ों में होता है। ठीक, और जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें बीटा सेल्स क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है इसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन हमारी बॉडी जितना इस्तेमाल करना चाहिए हमारी बॉडी को उतना नहीं करती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, वेट घट जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में वेट बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में प्यास, भूख और जख्म क्या होते हैं, देरी से भरते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इसमें वज़न बढ़ जाता है, हार्ट के डिसऑर्डर हो जाते हैं, और जोड़ों वगैरह में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पैनक्रियास के बारे में। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा पेनक्रियास के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे भी और इंडोक्राइन्स ग्रैंड के बारे में पढ़ने के लिए जुड़े रहिए MHK क्लासेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आप लोग के सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।